प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए, आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 गुणा भाग और इसमें सवाल 1 से 8 तक। तो विद्यार्थी, हम आज की क्लास में प्रश्नावली 3.1 जो गुणे से संबंधित प्रश्नावली है उसके हम सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 8 तक समझेंगे। बिल्कुल सरल तरीके से समझेंगे, आप सभी तैयार हो जाइए। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 हल कीजिए। इसमें पहला सवाल है 286 गुणा 125, 286 का 125 से गुणा करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ी इस तरफ जगह खाली रखेंगे और यहाँ पे 286 और इसके नीचे 125 और यहां गुणे का चिन्ह लगाएंगे और एक लाइन खींचेंगे। सबसे पहले नीचे वाली संख्या में 5, इस 5 का गुणा इन सबसे करेंगे। 5 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे, 5 चंक 30, 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 8 40, 40 में 3 जोड़ेंगे 43, 43 का 3 हासिल लगा 4, 5 का गुणा 2 से करेंगे, 5 दुनी 10, 10 में 4 जोड़ेंगे 14। ये इस प्रकार से है, 5 का गुणा इनसे कर लिया। अब हम दूसरे नंबर पर 2 का गुणा इनसे करेंगे, तो यहां दूसरे नंबर से लिखना शुरू करेंगे। पहले वाले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 6 से, 2 छंग 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 अटे 16, 16 और 1 17, 17 का 7 हासिल लगा फिर से 1, 2 दुनी 4, 4 और 1 5। अब हम वापस तीसरे नंबर पर 1 का गुणा इन तीनों से करेंगे। पहले दूसरे, 2 के नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 1 का गुणा 6 से करेंगे 6, 1 का गुणा 8 से करेंगे 8, 1 का गुणा 2 से करेंगे 2। अब तीनों का हो गया। अब हम एक लाइन खींच करके इन तीनों की जोड़ कर लेंगे। 0 का 0, 3 और 2 5, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 8 9 10, 10 और 5 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 2 और 1 3। ये हमारा गुणा हो चुका है। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, 35,750। कितना प्राप्त हुआ? 35,750। दूसरा, 677 गुणा 212, 677 का 212 से गुणा करना है। हम लिखेंगे 677, इसके नीचे 212 गुणा एक लाइन, 2 का गुणा करेंगे, 2 सत 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 सत 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा फिर से 1, 2 छंग 12, 12 और 1 13। अब हम 1 का शुरू करेंगे, तो पहले वाले के नीचे क्रॉस लगा देंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 1 का गुणा 7 से करेंगे 7, 1 का 7 से करेंगे 7, 1 का 6 से करेंगे 6। अब हम तीसरे का शुरू करेंगे, पहले दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 2 का गुणा 7 से, यानी देखिए 2 सत 14, 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 सत 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा फिर से 1, 2 छंग 12 और 1 13। ये हो चुका है। अब हम इनकी जोड़ कर लेंगे। 4 का 4 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 और 6 11, 12 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और ये 1 का 1 कितना आया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 1,43,524। समझ में आया? चलिए
आगे बढ़ते हैं। तीसरा 637 गुना 380, 637 का 380 से गुना करना है, 637 380 गुणे का चिन्ह, एक लाइन खींचेंगे, जीरो का सात से करेंगे जीरो, जीरो का तीन से करेंगे जीरो, जीरो का छह से करेंगे जीरो। जीरो का हम किसी से भी गुणा करते हैं तो जीरो ही प्राप्त होता है। अब हम दूसरे नंबर का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। आठ का सात से आठ सत्ता छप्पन, छप्पन का छ हासिल लगा पांच, आठ का गुणा तीन से आठ से चौबीस, चौबीस में पांच जोड़ेंगे उनतीस, उनतीस का नौ हासिल लगा दो, आठ का छह से आठ छंग अड़तालीस, अड़तालीस और दो पचास। अब हम तीसरे नंबर का शुरू करेंगे, तो पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। तीनों सत्ता इक्कीस, इक्कीस का एक हासिल लगा दो, तीन तीन नौ, नौ और दो ग्यारह, ग्यारह का एक हासिल लगा एक, तीन का छह से तीन छह का अठारह, अठारह और एक उन्नीस। अब हम इनको जोड़ लेंगे, जीरो का जीरो, छह का छह, नौ और एक दस, दस का जीरो हासिल लगा एक, एक और एक दो, नौ और पांच चौदह, चौदह का चार हासिल लगा एक, एक और एक दो। कितना प्राप्त हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दो लाख, बयालीस हजार, साठ। अगला गुणा चौथा, 999 गुणा 400, 999 गुणा करना है 400 से, लाइन खींचेंगे, जीरो का नौ से करेंगे जीरो, जीरो का नौ से करेंगे जीरो, जीरो का नौ से करेंगे जीरो। फिर दूसरे का शुरू करेंगे, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, जीरो का नौ से करेंगे जीरो, जीरो का नौ से करेंगे जीरो, जीरो का नौ से करेंगे जीरो। तीसरे नंबर का लिखेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखेंगे, चार नम छत्तीस, छत्तीस का छ हासिल लगा तीन, चार नम छत्तीस और तीन उनचालीस, उनचालीस का नौ हासिल लगा फिर से तीन, चार नम छत्तीस, छत्तीस और तीन उनचालीस। अब हम इनको जोड़ लेंगे, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, छ का छ, नौ का नौ, नौ का नौ, तीन का तीन। कितना आया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, तीन लाख निन्यानवे हजार छ सौ। समझ में आया? अगला पांचवा, 777 गुणा 222, 777 का 222 से गुणा करना है, 777 222 गुणा करेंगे, दो का गुणा सात से दो सत्तर चौदह, चौदह का चार हासिल लगा एक, दो सत्तर चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह का पांच हासिल लगा फिर से एक, दो सत्तर चौदह और एक पंद्रह, यानी दो का गुणा 777 से करने पर 1554 प्राप्त होता है। अब अगले दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, तो यही संख्या आएगी 1554, तो चार पांच पांच एक। अब हम तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, वापस दो का गुणा 777 से करेंगे, ये का ये आएगा, इकाई चार आएगा, दाई पांच, सैकड़ा पांच और हजार पे एक, इस प्रकार से ये आएगा। अब हम इनको जोड़ लेंगे, चार का चार, पांच और चार नौ, पांच पांच दस और चार चौदह, चौदह का चार हासिल लगा एक, पांच पांच दस ग्यारह, बारह, बारह का दो हासिल लगा एक, पांच छह सात और एक का एक। कितना आया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, एक लाख बहत्तर हजार चार सौ चौरानवे। समझ में आया? अगला छठा, 609 गुणा 605, 609 का 605 से गुणा करना है, 609, 605,
गुणा करेंगे, पांच का गुणा नौ से, पांच नम पैंतालीस, पैंतालीस का पांच आसिल लगा चार, पांच का जीरो से करेंगे जीरो, जीरो में चार जोड़ेंगे चार का चार, पांच अंक तीस। अब हम दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे करो, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, जीरो का नौ से करेंगे जीरो, जीरो का जीरो से करेंगे जीरो, जीरो का छह से करेंगे जीरो। अब तीसरे नंबर का पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, छह का गुणा नौ से, छह नम चौवन, चौवन का चार हासिल लगा पांच, छह का जीरो से करेंगे जीरो, जीरो में पांच जोड़ेंगे पांच, छह का छह से छह चंग छत्तीस। अब हम इनको जोड़ लेंगे, पांच का पांच, चार का चार, चार का चार, पांच और तीन आठ, छह का छह, तीन का तीन। देखिए कितना आया, इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख तीन लाख अड़सठ हजार चार सौ पैंतालीस। समझ में आया? अगला सातवां, नौ सौ सत्तासी गुणा तीन सौ इक्कीस, नौ सौ सत्तासी का गुणा तीन सौ इक्कीस से करना है, एक का गुणा सात से करेंगे सात, एक का आठ से करेंगे आठ, एक का नौ से करेंगे नौ। अब दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखेंगे, दो सत्रह चौदह, चौदह का चार हासिल लगा एक, दो अटे सोलह और एक सत्रह, सत्रह के साथ हासिल लगा फिर से एक, दो नम अठारह, अठारह और एक उन्नीस। अब हम तीसरे नंबर का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, तीनों सत्रह इक्कीस, इक्कीस का एक हासिल लगा दो, तीनों अटा चौबीस, चौबीस और दो छब्बीस, छब्बीस का छह हासिल लगा फिर से दो, तीन नम सत्ताईस, सत्ताईस और दो उनतीस। अब हम इनको जोड़ लेंगे, सात का सात, आठ और चार बारह, बारह का दो हासिल लगा एक, नौ और एक दस, दस और सात सत्रह, सत्रह और एक अठारह, अठारह का आठ हासिल लगा एक, नौ और एक दस, दस और छह सोलह, सोलह का छह हासिल लगा एक, नौ और एक दस, दस और एक ग्यारह, ग्यारह का एक हासिल लगा एक, दो और एक तीन। कितना आया? इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख तीन लाख सोलह हजार आठ सौ सत्ताईस। समझ में आया? अगला सवाल आठवां, आठ सौ पैंतालीस गुणा पांच सौ निन्यानवे, आठ सौ पैंतालीस का गुणा पांच सौ निन्यानवे से करना है। नौ का गुणा इनसे करेंगे, नौ पंजे पैंतालीस, पैंतालीस का पांच हासिल लगा चार, नौ चौक छत्तीस, छत्तीस और चार चालीस, चालीस का जीरो हासिल लगा फिर से चार, नौ अटा बहत्तर, बहत्तर और चार छिहत्तर। अब दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, नौ का गुणा आठ सौ पैंतालीस से करना है, ये वाली संख्या आएगी पांच जीरो छ सात। तीसरे नंबर का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, पांच पंजा पच्चीस, पच्चीस का पांच हासिल लगा दो, पांच चौक बीस, बीस और दो बाईस, बाईस का दो हासिल लगा फिर से दो, पांच और चालीस, चालीस और दो बयालीस। अब हम इनको जोड़ लेंगे, पांच का पांच, पांच का पांच, छह और पांच ग्यारह, ग्यारह का एक हासिल लगा एक, छ, छ और दो आठ, आठ और सात पंद्रह, पंद्रह और एक सोलह, सोलह का छह हासिल लगा एक, सात और दो नौ, नौ और एक दस, दस का जीरो हासिल लगा एक, चार और एक पांच। कितना प्राप्त हुआ? इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख पांच लाख छह हजार एक सौ पचपन। तो विद्यार्थियों ये गुणे दो हमने और किए, आइए आगे बढ़ते हैं। नवा, नौ सौ अट्ठासी गुणा पांच सौ चौदह,
988 गुणा 514 से करना है, चार का गुणा हम इनसे करेंगे, चार वोटा 32, 32 का 2 हासिल लगा, 3, चार वोटा 32 और 3 35, 35 का 5 हासिल लगा, फिर से 3, 4 नम 36, 36 और 3 39। अब हम एक का दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे करो, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, एक का गुणा 8 से करेंगे 8, एक का 8 से करेंगे 8, एक का 9 से करेंगे 9। अब तीसरे का शुरू करेंगे, पहले दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, पांचों अट्ठा 40, 40 का 0 हासिल लगा 4, पांचों अट्ठा 40 और 4 44, 44 का 4 हासिल लगा, फिर से 4, 5 नम 45, 45 और 4 49। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 2 का 2 8 और 5 13, 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 8 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 का 7 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5। कितना प्राप्त हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,00,000, 7,832। अगला सवाल दसवा, 900 गुणा 888, 900 गुणा 888 से करना है, 8 का गुणा 0 से करेंगे 0, 8 का गुणा 0 से करेंगे 0, 8 का गुणा 9 से 8 नम 72। अब हम दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, तो 8 का गुणा 900 से करना है, वापस ये संख्या आएगी 0027। तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, ये संख्या आएगी 0027। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 2 का 2, 7 और 2 9, 7 और 2 9, 7 का 7। कितना प्राप्त हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 899,200। समझ में आया? आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए, देवनागरी लिपि यानी भारतीय अंक। अब हमें इनका गुणा करना है, पहला है 562 गुणा 384, 562 का गुणा 384 से करना है। अब 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दुनी 8, 4 छंग 24, 24 का 4 हासिल लगा 2, 4 पंजा 20, 20 और 2 22। पहले का हो गया, दूसरे का शुरू करेंगे, दूसरे से लिखेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, 8 दुनी 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 8 छंग 48, 48 और 1 49, 49 का 9 हासिल लगा 4, 8 पंजा 40, 40 और 4 44। अब हम तीसरे नंबर का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, 3 दुनी 6, 3 छंग 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 पंजा 15, 15 और 1 16। अब हम इन तीनों को जोड़ लेंगे, 8 का 8, 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 9, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, 8, 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 और 1 2।
कितना प्राप्त हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,15,808। समझ में आ गया? अगला दूसरा, 715 गुणा 260, 715 का गुणा 260 से करना है। 0 का गुणा 5 से करेंगे 0, 0 का 1 से करेंगे 0, 0 का 7 से करेंगे 0। 0 का हम किसी से भी गुणा करते हैं तो 0 ही प्राप्त होता है। अब दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे करो, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे। 6 का 5 से 6 पंजा 30, 30 का 0, 8 से लगा 3, 6 का 1 से 6 कम 6, 6 और 3 9, 6 7 42। तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे। 2 पंजा 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 सतह 14। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 9 का 9, 3 और 2 5, 4 4 8, 1 का 1। कितना प्राप्त हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,85,900। समझ में आया? अगला तीसरा, 436 गुणा 500, 436 को गुणा 500 से करना है, 436 गुणा करना है 500 से। जीरो का गुणा 6 से करेंगे 0, 0 का 3 से करेंगे 0, 0 का 4 से करेंगे 0। फिर दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे करो, दूसरे से लिखेंगे, 0 का 6 से करेंगे 0, 0 का 3 से करेंगे 0, 0 का 4 से करेंगे 0। विद्यार्थियों, 0 का गुणा हम किसी से भी करते हैं, 0 ही प्राप्त होता है। अगला तीसरे नंबर का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखेंगे, 5 अंक 30, 30 का 0, हासिल लगा 3, 5 3 15, 15 और 3 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 5 चौक 20, 20 और 1 21। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 8 का 8, 1 का 1, 2 का 2। कितना आया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,18,000। समझ में आया? अगला चौथा, 616 गुणा 634, 616 का गुणा 634 से करना है। पहले 4 का गुणा शुरू करेंगे, 4 छंग 24, 24 का 4, हासिल लगा 2, 4 एकम 4, 4 और 2 6, 4 छंग 24। दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखेंगे, 3 छंग 18, 18 का 8, हासिल लगा 1, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 3 छंग 18। तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, 6 छंग 36, 36 का 6, हासिल लगा 3, 6 एकम 6, 6 और 3 9, 6 छंग 36। अब हम इनको जोड़ लेंगे,
चार का चार आठ, आठ और छ चौदह, चौदह का चार हासिल लगा एक, छ चार दस, दस और चार चौदह, चौदह और एक पंद्रह, पंद्रह का पांच हासिल लगा एक, नौ, नौ और एक दस, दस और आठ अठारह, अठारह और दो बीस, बीस का जीरो हासिल लगा दो, छ और एक सात, सात और दो नौ, तीन का तीन, कितना प्राप्त हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, तीन लाख नब्बे हजार पांच सौ चौवालीस। समझ में आया? अगला पांचवा, आठ सौ तेईस गुणा चार सौ बानवे, आठ सौ तेईस का चार सौ बानवे से गुणा करना है, आठ सौ तेईस गुणा चार सौ बानवे, दो का गुणा तीन से दो तीन छः, दो दूनी चार, दो अटा सोलह, दूसरे का शुरू करेंगे पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, नौ तिया सत्ताईस, सत्ताईस का सात हासिल लगा दो, नौ दूनी अठारह, अठारह और दो बीस, बीस का जीरो हासिल लगा फिर से दो, नौ अटा बहत्तर, बहत्तर और दो चौहत्तर, तीसरे का शुरू करेंगे पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, चार तिया बारह, बारह का दो हासिल लगा एक, चार दुनिया आठ, आठ और एक नौ, चारों अट्ठा बत्तीस, अब हम इनको जोड़ लेंगे, छह का छह सात और चार ग्यारह, ग्यारह का एक हासिल लगा एक, छ और दो आठ, आठ और एक नौ, नौ और एक दस, दस और चार चौदह, चौदह का चार हासिल लगा एक, सात और दो नौ, नौ और एक दस, दस का जीरो हासिल लगा एक, तीन और एक चार, कितना प्राप्त हुआ? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, चार लाख चार हजार नौ सौ सोलह। समझ में आया विद्यार्थियों? आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर तीन, एक पैकेट में 225 ट्रॉफियां आती हैं, ऐसे 45 पैकेट में कितनी ट्रॉफी आएगी ज्ञात कीजिए। एक पैकेट में 225 ट्रॉफियां आती हैं, 45 पैकेट में कितनी आएगी? तो 225 का गुणा हमें 45 से करना है। इबारती प्रश्नों को समझना है और समझ करके फिर हल करना है। 225 का गुणा 45 से करना है। पांच पंजे 25, 25 का पांच हासिल लगा दो, पांच दुनी 10, 10 और दो 12, 12 का दो हासिल लगा एक, पांच दुनी 10, दस और एक ग्यारह, फिर दूसरे का शुरू करेंगे पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, चार पंजा बीस, बीस का जीरो हासिल लगा दो, चार दुनिया आठ, आठ और दो दस, दस का जीरो हासिल लगा एक, चार दुनिया आठ, आठ और एक नौ। अब हम इनको जोड़ लेंगे, पांच का पांच, दो का दो, एक का एक, नौ और एक दस, एक पैकेट में 225, 45 पैकेट में कितनी ट्रॉफी आएगी? 10,125। तो हम लिख सकते हैं अतः
पैतालीस विकेट में 10,125 ट्रॉफिया आएगी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 10,125 ट्रॉफिया। समझ में आया? अगला सवाल नंबर चार, राव महाविद्यालय टाडा में 165 छात्र पढ़ते हैं। एक दानदाता ने गणवेश के लिए प्रति छात्र 550 रुपये दिए, बताइए दानदाता ने कुल कितनी राशि दी है। छात्र कितने? 165, प्रति छात्र 550 रुपये दिए। एक छात्र को 550 रुपये दिए, 165 छात्र को कितने देंगे? तो 550 का गुणा 165 से करना है। हल कर लेते हैं। एक छात्र को 550 रुपए दिए, 165 छात्र के लिए कितने होंगे? गुणा 165 से कर लेंगे। पांच का गुणा जीरो से करेंगे, जीरो। पांच का गुणा पांच से, पांच पंजा 25, 25 का पांच, हासिल लगा दो। पांच पंजा 25, 25 और दो 27। अब दूसरे का शुरू करेंगे, दूसरे से लिखेंगे पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखेंगे। छह का जीरो से करेंगे, जीरो। छह पंजा 30, 30 का जीरो, हासिल लगा तीन। छह पंजा 30, 30 और तीन 33। अब हम तीसरे का शुरू करेंगे, पहले दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखेंगे। एक का जीरो से करेंगे, जीरो। एक का पांच से करेंगे, पांच। एक का पांच से करेंगे, पांच। अब हम इनको जोड़ लेंगे, जीरो का जीरो, पांच का पांच, सात का सात, पांच और तीन आठ, आठ और दो दस, दस का जीरो, हासिल लगा एक। पांच और तीन आठ, आठ और एक नौ, कितना आया? इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार 90,750। तो हम लिख सकते हैं दानदाता ने कुल कितनी राशि दी? 90,750 रुपये लिखेंगे। अतः दानदाता ने कुल 90,750 रुपये की राशि दी। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर पांच, एक ड्रम में 220 लीटर तेल आता है, तो ऐसे 340 ड्रम में कितने लीटर तेल आएगा ज्ञात कीजिए। एक ड्रम में 220 लीटर, 340 ड्रम में कितना आएगा? तो गुणा 340 से कर लेना है। हल 220 का गुणा 340 से करना है। जीरो का जीरो से करेंगे, जीरो। जीरो का दो से करेंगे, जीरो। जीरो का दो से करेंगे, जीरो। दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखेंगे। चार का जीरो से करेंगे, जीरो। चार का दुगुना दो से, चार दुनिया आठ, चार दुनिया आठ। तीसरे का शुरू करेंगे, पहले दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखेंगे। तीन का जीरो से करेंगे, जीरो। तीन का दो से, तीन दुनी छः, तीन दुनी छः, जोड़ लेंगे। जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, आठ का आठ, आठ और छः चौदह, चौदह का चार, हासिल लगा एक। छः और एक सात, कितना आया? इकाई दाई सैकड़ा हजार दस हजार 74,800 लिखेंगे। अतः 340 ड्रम में चौहत्तर हजार आठ सौ लीटर तेल आएगा।
ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 74,800 लीटर। समझ में आया? अगला सवाल नंबर 6, एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है तो 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का मूल्य पता है, 296 कुर्सियों का मूल्य ज्ञात करना है तो यहां गुणा करना होगा। एक कुर्सी का मूल्य 678 रुपये है, 296 कुर्सियों को ज्ञात करना है तो गुणा हम 296 से कर देंगे। 6 का गुणा 8 से 6, 8 48, 48 का 8 हासिल लगा 4, 6, 7 42, 42 में 4 जोड़ेंगे 46, 46 का 6 हासिल लगा फिर से 4, 6×6 36, 36 और 4 40। अब दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखेंगे 9×8 72, 72 का 2 हासिल लगा 7, 9×7 67, 67 और 7 70, 70 का 0 हासिल लगा फिर से 7, 9×54, 54 और 7 61। तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखेंगे 2×8 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, 2×7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 हासिल लगा फिर से 1, 2×6 12, 12 और 1 13। अब जोड़ लेंगे, आठ का आठ 6 और 2 8, 6×6 5, 6×6 6 और 4 10, 10×0 हासिल लगा 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10×0 हासिल लगा 1, 1 और 1 2। कितना आया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,688। कितना आया? 296 कुर्सियों का मूल्य हम लिखेंगे, अतः 296 कुर्सियों का मूल्य 2,688 रुपए होगा और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 2,688 रुपए। समझ में आ गया? आइए अगला सवाल, सवाल नंबर 7, 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे जबकि एक क्यारी में 525 पौधे हैं। एक क्यारी में 525 पौधे, 213 क्यारियों में कितने होंगे तो हमें यहां गुणा करना होगा। हल कर लेते हैं, एक क्यारी में 525, 213 क्यारियों में ज्ञात करना है तो गुणा कर लेंगे हम 213 से। 3 का गुणा 5 से 3×5 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 3×2 6, 6 और 1 7, 3×5 15। अब हम दूसरे का शुरू करेंगे, पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, 1 का 5 से करेंगे 5, 1 का 2 से करेंगे 2, 1 का 5 से करेंगे 5। अब हम तीसरे का शुरू करेंगे, पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, 2×5 10, 10×0 हासिल लगा 1, 2×2 4, 4 और 1 5, 2×5 10। अब हम इनको जोड़ लेंगे, 5 का 5 7 और 5 12, 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 का 8 5×5 10, 10 और 1 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 का 1 और ये 1 का 1। कितना आया? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,11,825। तो 213 क्यारियों में कितने पौधे होंगे? 1,11,825 पौधे हम लिख देंगे, अतः 213
तैयारियों में 1,11,825 पौधे होंगे। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। कितने पौधे? 1,11,825 पौधे। समझ में आ गया। अगला प्रश्नावली 3.1 का लास्ट सवाल है, आठवां, 634 डिब्बों में कितनी गेंदे आएगी जबकि एक डिब्बे में 408 गेंदे आती हैं। एक डिब्बे में 408 गेंदे आती हैं, 634 डिब्बों में कितनी गेंदे आएगी ज्ञात करना है, तो हमें 408 का गुणा 634 से करना होगा। 408 का गुणा 634 से, 4 का 8 से, 4 बटा 32, 32 का 2, वहां से लगा 3, 4 का 0 से करेंगे 0, 0 में 3 जोड़ेंगे, 3 का 3, 4 चौक 16, दूसरे का शुरू करेंगे पहले के नीचे क्रॉस, दूसरे से लिखना शुरू करेंगे, 3 बटा 24, 24 का 4, वहां से लगा 2, 3 का 0 से करेंगे 0, 0 में 2 जोड़ेंगे, 2 का 2, 3 चौक 12, हम तीसरे का शुरू करेंगे पहले और दूसरे के नीचे क्रॉस, तीसरे से लिखना शुरू करेंगे, 6 अटा 48, 48 का 8, हासिल लगा 4, 6 का 0 से करेंगे 0, 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 का 4, 6 चौक 24। अब हम इनको जोड़ लेंगे, दो का दो, चार और तीन सात, आठ और दस, दस और छह सोलह, सोलह का छह, हासिल लगा एक, चार और दो छह, छह और एक सात, सात और एक आठ, चार में एक जोड़ेंगे पांच, दो का दो कितना आया, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 258,672। तो कितनी गेंदे आएगी? 258,672 गेंदे हम लिख सकते हैं। अतः 634 डिब्बों में दो लाख 58,672 गेंदे आएगी और ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा, 258,672 गेंदे। तो विद्यार्थियों समझ में आया आपको? तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने क्या क्या समझा एक बार पुनः देख लेते हैं। विद्यार्थियों कक्षा 5 विषय गणित प्रश्नावली 3.1 गुणा भाग, इसमें सवाल नंबर 1 से 8 तक गुणे से संबंधित सवाल थे, इनको हमने समझा। इसमें हमने पहला सवाल हल कीजिए, तो हमने इसमें गुणे के जो सवाल थे उनको हमने हल किया, पहले के। और अगला सवाल था दूसरा, देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा कीजिए, तो हमने देवनागरी लिपि की संख्याओं का गुणा समझा। उसके बाद में हमने एक पैकेट में 225 ट्रॉफी आती है, 45 पैकेट में कितनी आएगी, तो गुणा करके हमने इसको प्राप्त किया। चौथे सवाल में 165 छात्रों के लिए प्रति छात्र 550 के हिसाब से 90,750 रुपए की राशि दान की, ये हमने प्राप्त किया। पांचवे सवाल में 220 लीटर एक ड्रम में आता है, तो 340 ड्रम में कितना आएगा, गुणा करके हमने प्राप्त किया। छठे सवाल में एक कुर्सी का मूल्य 678 था, 296 कुर्सियों का मूल्य हमने गुणा करके प्राप्त किया। सातवें में 213 कैरों में कितने पौधे होंगे, एक कैरी में 525 पौधे हैं, हमने गुणा करके पौधे प्राप्त किए।
634 डिब्बों में कितनी गेंदें आएगी, एक डिब्बे में 408 गेंदें आती है तो गुणा करके हमने प्राप्त किया। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल हमने सरल तरीके से गुणे के सवालों को समझने का प्रयास किया। आप भी इन सवालों का समझते हुए अभ्यास कीजिए, क्योंकि हम गणित में जितना ज्यादा समझ करके अभ्यास करेंगे उतना ही हम गणित में बेहतर बन पाएंगे। हमें मेहनत करनी है समझते हुए। तो विद्यार्थियों उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।